तो हे एवरीवन, कैसे आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज आईसीआई का एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट आया है आईसीआई के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से, राइट। 18th of July 2024 का अनाउंसमेंट है। तो आज है हमारी 18th of July 2024 और आज ही का ही अनाउंसमेंट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सर, किसके लिए अनाउंसमेंट है? तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये सीए फाइनल वाले बच्चों के लिए अनाउंसमेंट है जो अपने नवंबर 2024 का एग्जाम दे रहे हैं, और इंटरमीडिएट वालों के लिए अनाउंसमेंट नहीं है, राइट है। क्योंकि इंटरमीडिएट वालों का तो सितंबर में एग्जाम्स होना है, उनके लिए अनाउंसमेंट नहीं है। तो सीए फाइनल नवंबर 2024 जो कि एग्जाम फॉर्म, राइट, एग्जाम की जो फॉर्म है, एग्जाम्स की जो डेट है, वो आ चुकी है आपके सामने। और आईसीआई ने नवंबर 2024 के लिए आपकी डेट रिलीज कर दी है। तो आईसीआई का इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट ये आपको सामने दिख रहा होगा, और इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट में जरा देखेंगे एक बार। यहाँ पे लिखा है आईसीआई ने फाइनल कोर्स एग्जामिनेशन, राइट है। फाइनल कोर्स एग्जामिनेशन में आईसीआई ने लिखा है कि भैया, आपको ग्रुप वन के अंदर आपके जो सीए फाइनल ग्रुप वन के एग्जाम्स हैं, वो पहला यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नवंबर को होने हैं। यानी कि अगर मैं सीए फाइनल ग्रुप वन की बात करूं, तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नवंबर के अंदर आपके एग्जाम्स होने हैं। उसके बाद ग्रुप टू की अगर बात करी जाए, तो ग्रुप टू के अंदर हमारे जो एग्जाम्स है, एग्जाम्स होने हैं, दैट इज 7th, 9th एंड 11th नवंबर, राइट। तो ये आपकी डेट आई है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक एक दिन का ही गैप है, कोई यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन, यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो वन डे गैप है, राइट है। किसी भी ग्रुप के अंदर देखेंगे तो ग्रुप वन और ग्रुप टू दोनों के अंदर एक ही दिन का गैप है, कोई एक्सटेंशन आपको नहीं दिया गया है। एबल टू अंडरस्टैंड? अच्छा, इंटरनेशनल टैक्सेशन असेसमेंट डेट, असेसमेंट टेस्ट की डेट 9th और 11th नवंबर 2024 है, ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ सीए फाइनल के एग्जाम्स की डेट की बात है। और यहाँ पे आपको एग्जाम्स का जो डेट ड्यूरेशन बताया हुआ है, आवर्स, वो 3 आवर्स का है, वो आपको सबको पता है, राइट है। बट पेपर नंबर जो 6 है आपका आईबीएस वाला सीए फाइनल ग्रुप टू के अंदर, वो 4 घंटे का रहने वाला है। चलिए, अब आगे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आपकी जो एग्जाम्स, जो फॉर्म फाइलिंग डेट है, यानी कि कब से आपके कमेंसमेंट हो रहे हैं आपके फॉर्म सीए फाइनल नवंबर 2024 के जो एग्जाम्स हैं, वो उसकी जो मतलब डेट है, यानी कि जो विंडो ओपन है वो एग्जाम फॉर्म फाइल अप करने की, वो मैं आपके साथ लिख दे बता देता हूँ। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ऑनलाइन विंडो, आपको बताया गया है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ऑनलाइन विंडो फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड करेक्शन विंडो। यहाँ बताया गया है कि भैया, कमेंसमेंट जो है आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है? 7 अगस्त को, यानी कि आपके 7th ऑफ अगस्त से, अगले महीने की 7th से आपके स्टार्ट हो जाएंगे आपके एग्जाम फॉर्म। और कमेंसमेंट की डेट 7 अगस्त है, और लास्ट डेट फॉर सबमिशन, मतलब बिना कोई लेट फीस, आप बिना पे किए हुए, आप 20th ऑफ अगस्त तक अपने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो 20 अगस्त तक आपको कोई लेट फीस नहीं लगेगी, और अगर आप 20 अगस्त तक नहीं फिलअप कर पाए, तो 23rd ऑफ अगस्त, 23rd ऑफ अगस्त तक आप अपनी विद लेट फीस, यानी कि आपको लेट फीस दे करके अपने एग्जाम फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे, राइट है। और जो स्टूडेंट्स अपने एग्जाम सेंटर्स, यानी कि जो सिटी है, सॉरी सेंटर नहीं, सिटी और मीडियम, अगर हिंदी में चूज किया था तो इंग्लिश में स्विच कर सकते हैं, इंग्लिश चूज किया था तो हिंदी में स्विच कर सकते हैं, और जो सिटी है उसको अगर आपको चेंज करना है, तो उसकी करेक्शन विंडो जो है एग्जामिनेशन फॉर्म की, ऑलरेडी फिल्ड अप जो आपने किया था, वो कब से स्टार्ट हो जाएगी? 24th ऑफ अगस्त से स्टार्ट होगी और 26th ऑफ अगस्त तक रहेगी। यानी कि आपको सिंपल सी बात याद रखनी है भैया, जो आपका 7th ऑफ अगस्त है ये कमेंसमेंट डेट है, और आपका 23rd ऑफ अगस्त ये जो है विद लेट फीस तक आप यहाँ पे भर सकते हो, 20th ऑफ अगस्त तक विदाउट लेट फीस, और 23rd अगस्त तक विद लेट फीस, और 24 से लेकर के 26th ऑफ अगस्त तक आपके क्या हो जाएंगे, आपकी करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी विद रेस्पेक्ट टू द चेंजेस इन द सिटी एज वेल एज द मीडियम। अच्छा, फाइनल कोर्स के एग्जामिनेशन की फीस का, सिंगल ग्रुप भर रहे हो तो 1800 रुपये लगेगा, और बोथ ग्रुप भर रहे हो तो 3300 लगेगा। ओवरसीज सेंटर्स वालों के लिए डॉलर्स में चार्जेस होंगे, और भूटान एंड कांडा जो आपका है, काठमांडू सेंटर्स, इनके लिए INR का रुपीज दिया हुआ है, इसे कितना अमाउंट आपको लगेगा। सो होपफुली यू फाउंड दिस वीडियो इज वेरी इन्फॉर्मेटिव। इफ यू फाउंड, देन यू कैन डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द सेम। थैंक थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।